नागपुरात ऑटो इंजिनिअरिंगच्या क्लस्टरच्या सीएफसीचा आज भूमिपूजन पार पडलंय. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे आता तिथे आहेत आणि त्यांच्या हस्ते हे भूमिपूजन पार पडलेलं आहे. आपण थेट जाऊया नितीन गडकरी यांच्याकडे. इसके साथ साथ विदर्भ की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होगी और किसानों की आत्महत्या रुकेगी और जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। इसी मकसद को लेकर हम अलग अलग प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ 15 दिन पहले मैंने एक अध्ययन करके रिपोर्ट मुझे मिली कि जो जो प्रयास हमने पिछले 5-6 साल में किए हैं उसमें मिहान में 58,000 लोगों को रोजगार मिला है और मुझे विश्वास है कि अभी और 2-3-4 साल जब पूरे होंगे तो 1,00,000 करोड़ पूरा करेंगे। पर बुटीगोरी हिंगना और बुटीबोरी एमआईडीसी और बुटीबोरी कलमेश्वर एमआईडीसी, ये तीनों में बाकी रोजगार समाधान कारक विकसित नहीं हुआ। ये संख्या बहुत कम है कृपाल जी, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ की इंडस्ट्री को और बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ से हमारी जो एमएसएमई मैक्सिमम यहाँ है उनका एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, उनका हमारे देश में टर्नओवर कैसे बढ़े, नए प्रोडक्ट कैसे डेवलप हो, डिजाइनिंग कैसे हो, और इनोवेशन और रिसर्च के साथ ये सब बातों की तैयारी हमारी एमएसएमई जब करेगी, उनको मार्केट मिलेगा, तभी हमारे यहाँ के जवान लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हमारे पास करीब 46 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और इसलिए स्किल मैन पावर हमारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज से तैयार हो और हमारी विश्वेश्वरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, एलआईटी है और हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ये सब रिसर्च करके नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे जाए और विदर्भ और नागपुर को आगे ले जाए, यही हमारे सबके प्रयासों के पीछे भावना होती है। आज ये जो फाउंडेशन स्टोन ना इसके लिए आज लेइंग डाउन हुआ है नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद मेरे मिनिस्ट्री में जब सबका नाम लिया जाता है तो एक मिनिस्ट्री छूट जाती है।